1 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन का 45 से 60 वर्ष के उम्र के सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का अभियान चालू किया है। इसी क्रम में नगर सभापति राकेश पाठक ने सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ सामने से टीका लगाया। साथ ही नगर वासियों से अपील की कि वे कोरोना वैक्सीन अवश्य लगाएं। साथ ही भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, वे संयुक्त रूप से निकलकर सभी नागरिकों को प्रेरित करेंगे, वे टीका अवश्य लगवाएं। जिस प्रकार कोरोना फाइट में भीलवाड़ा मॉडल बना है, उसी प्रकार वैक्सीन में भी पूरे भारत में भीलवाड़ा एक मिसाल पेश करेगा, ऐसी उन्होंने संभावना जताई है। कोरोना बीमारी के ऊपर मोदी वैक्सीन लगी है, ये दुनिया में भारत कोरोना से लड़ाई में नंबर वन है। भारत में राजस्थान और राजस्थान में भीलवाड़ा, हम चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन का जो ये प्रोग्राम है, जैसे कोरोना फाइट के रूप में भीलवाड़ा मॉडल फेमस हुआ है, वैसे कोरोना वैक्सीनेशन के रूप में भी हो। आज इस वैक्सीन का भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और भीलवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने उपयोग किया है। हम यहाँ पे आए, हॉस्पिटल की बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं हैं, हमको यहाँ पे कोई इंतजार नहीं करना पड़ा है। आते से ही हमारा रजिस्ट्रेशन होकर हमारी वैक्सीन लग गई है। मैं भीलवाड़ा की जनता से भी अपील करूँगा कि जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन लगा कर अपने को कोरोना से लड़ने में मजबूत करें। इस अपील के साथ हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं। हमारे दो मंडल अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। कल या परसों से हम एक वार्ड वाइज इस अभियान को लेंगे। इस वार्ड के समस्त कार्यकर्ता एक साथ निकलेंगे, जनता से अपील करते हुए कि 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी अपने नजदीकी पीएससी पे जाकर वैक्सीन लगवाएं।